अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग क्लास। मैं सभी आली लेकर आई हूँ आज आपके लिए बहुत ही टेस्टी और स्वीट आमंड बन्स जो क्रीमी होते हैं। चलिए मैं आपको बनाना बताती हूँ। ये मैंने वार्म मिल्क लिया है, इसको मैं इस पॉट में डाल दूंगी। अब हमें क्या करना है, ये मैंने 50 ग्राम शुगर ली थी, इसको भी इसमें डाल देते हैं। और यह हमारा 1 टीस्पून ईस्ट है जो इंस्टेंट है, इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। और अब एक चम्मच की सहायता से इसको चलाएंगे। चलिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है। चलिए इसको बंद करके रख देते हैं 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं, हम खोल कर देखते हैं इसे। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको बीट करना है एक एग डालकर। ये देखिए हमने एक एग डाल दिया है इसमें। अब हमें इसको बीट करना है अच्छे से। हमारे पास बीटर है, ये देखिए हमने एग बीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका हमें अपना फ्लावर इसमें ऐड करना है। ये हमारा फ्लावर है, ये 1.5 कप मैदा है, इसको हम मिक्स कर लेंगे और एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। हमने अपना फ्लावर डाल लिया है। अब हमें चुटकी भर नमक डालना है इसमें। ये डालकर हम अच्छे से बीट करेंगे। अब इसको मिक्स करते हुए बीट करना है और एक सॉफ्ट डो बना लेना है। ये देखिए हमारा डो काफी स्टिकी और जो है ढीला है। अब हमें करना क्या है कि स्टिकीनेस इसकी हटाने के लिए, तो हमें इसमें 1 सूप वाला चम्मच भरकर घी डालना है। जी हाँ, मैं बटर यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं नमक डाल चुकी हूँ। तो हमारे पास जो बटर है वो अनसॉल्टेड नहीं है, वो सॉल्टेड है, इसलिए इसको हम इसी तरह से गूंदेंगे और एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। ये देखिए हमारा डो एकदम सॉफ्ट है। इसको हमें 1 घंटे के लिए फर्मेंट होने देना है, ताकि ये डबल हो जाए। 1 घंटे बाद हम आपको मिलते हैं। ये देखिए मैंने ये कुछ रेजिन्स लिए हैं, वो कटे हुए कुछ काजू लिए हैं। अभी मैं इनको पानी में भिगो दूंगी। ये 50 ml पानी है। चलिए इनको हम 1/2 आवर भीगने देते हैं। अब हम अपनी फिलिंग की तैयारी करते हैं, जो बहुत ही टेस्टी है। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने ये 80 ग्राम बटर लिया है। चलिए हम इसको बीट करते हैं। हमने इसको अच्छे से बीट कर लिया है। अब हमें इसमें शुगर ऐड करनी है। चलिए हम शुगर ऐड करते हैं अपनी। ये देखिए हम लगभग इसमें 50 ग्राम शुगर ऐड करेंगे, क्योंकि ये फिलिंग है, फिलिंग थोड़ी मीठी होनी चाहिए। ये देखिए हमने 50 ग्राम लगभग शुगर ऐड कर दी है। अब इसको हम अच्छे से वाइट होने तक बीट करेंगे। देखिए इसका कितना क्रीमी टेक्सचर आ गया है। इसको बंद करते हैं। देखो वाइट वाइट हो गया है। अब हमें इसमें ऐड करना है 1 अंडा। ये देखिए हमने इसमें 1 अंडा ऐड कर दिया है। हम अंडे को भी बीट करेंगे। और ये मेरे पास बादाम पिसे हुए हैं, जो मैंने अभी इंस्टेंटली पीसे हैं, इनको भी हम इसमें डाल देंगे। ये लगभग 50 ग्राम बादाम थे, हम इसमें इसको भी डाल देंगे। चलिए अब इसको स्मूथ पेस्ट बनने तक हम इसको बीट करते हैं। देखिए हमारी फिलिंग अच्छे से तैयार है। हम बंद करते हैं इसे और 1/2 आवर के लिए हम इसको फ्रीज करेंगे। ये देखिए मैंने एक एग लिया है, उसको मैंने 1 चम्मच शुगर के साथ मिक्स कर लिया है। अब इसको अच्छे से बीट कर लेंगे और इसमें हम 1 चम्मच घी भी ऐड करेंगे। जब हम अपने बंस बेक करेंगे तो उस पर जो वॉश किया जाएगा, ये उस लिए है। ये देखिए हमने 1 चम्मच घी डाल लिया। अब इसको अच्छे से बीट करके हम रख देंगे। ये देखिए हमारी रेजिन जो है अच्छे से बीट चुकी है। इनको हम स्ट्रेन कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसको स्ट्रेन कर दिया है। इसको ऐसे ही रहने देंगे ताकि पूरा पानी इसका सूख जाए। चलिए 1 घंटा हो चुका है, हम अपनी डो देखते हैं। ये देखिए हमारी डो डबल हो चुकी है। हम इसको इसकी एयर निकालते हैं। ये देखिए ये अच्छे से डबल हो चुकी है। अब इसको हम प्लेटफॉर्म पर निकालेंगे।
देखिए हमने खुश मैदा डस्ट कर लिया था, हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे अच्छे से। ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना रहेगा। एक सॉफ्ट तो बना हुआ है लेकिन इसे हमें और सॉफ्ट करना पड़ेगा, इसको स्ट्रेच करके इस तरह से स्ट्रेच करना रहेगा हमें इसे, इस तरह से इसको लगभग हमें 5 मिनट तक इस तरह से स्ट्रेच करना है। ये देखिए कितने अच्छे से हो चुका है। अब हमको क्या करना है, इसको इक्वल लोइयों में इसको डिवाइड करना है। चलिए हम इसके पीसेस करते हैं। पहले हम इसको बीच से कट करेंगे, फिर हमको इस तरह से इसको कट करना है और फिर इस तरह से कट लगाकर इसको इक्वल डिवाइड कर लेना है। ये देखिए हमने इस पे मैदा, ये हमने इक्वली इसको डस्ट निकाल लिए हैं कट करके और हमने इसको मैदा डस्ट कर लिया है। अब इस तरह से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से और पेड़े सारे बना कर रख लेंगे। ये देखिए हमने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब इसे फॉइल से हम ढक देंगे। देखिए इस तरह से फॉइल से हम इसको ढक देंगे 15 मिनट के लिए। फिर हम इसका फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग तैयार हो चुकी है हमारी, फिर इसको हम आगे प्रोसीजर बढ़ाएंगे। चलिए 10 मिनट्स हो चुके हैं, देखते हैं इसको। ये देखिए हमारी तो एकदम डबल हो चुकी है। चलिए हम आगे का प्रोसीजर बढ़ाते हैं। हमें यहाँ पर थोड़ा सा और खुश्क मैदा डस्ट करना है इस तरह से और एक लोई ले लेनी है। ये देखिए इस तरह से इसको हम करते रहेंगे और इसको लंबा लंबा हमको बेल लेना है। ये देखिए हमने इसको लंबा लंबा बेल लिया है। अब हम अपनी स्टफिंग रखेंगे। ये देखिए हमारी स्टफिंग जो हम फ्रिज में रख कर आए थे ये अच्छी सी हो गई है। अब इसको हम स्प्रेड करेंगे अपनी डो पर। इसको हमें अच्छे से स्प्रेड करना है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। ये देखिए इस तरह से मोटा मोटा स्प्रेड कर देना है। ये देखिए हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब ये जो रेजिन्स हमने भिगो कर रखी थी इनको हमें डालना है। देखिए इस तरह से, जी इस तरह से हमने इसको डाल लेना है। इस तरह से अब हमें इसको मोल्ड करना है। ये देखिए हम इसको फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से। हमें इसे पूरी तरह, हमें स्टेप बाय स्टेप ही इसको फॉलो करना है। अब इसको यहाँ पर हम इस तरह दबा देंगे ताकि ये पूरी तरह बंद हो जाए। ये देखिए हमने इसको अच्छे से कवर करके मोल्ड कर दिया है। अब हमें इसे 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रखना पड़ेगा, फिर हम बताते हैं कि इसका क्या करना है। हम जब तक बाकी के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसको 10 मिनट फ्रीज कर लिया है। अब हम इसमें बीच में कट लगाएंगे इस तरह से, हमें बिल्कुल किनारे से नहीं लगाना है, इस तरह से हमें किनारे लगाना है। जी हाँ, इस तरह से कट लगा लेना है हमें और हमें अब इसका डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए कितने अच्छे से कट लग गया है। अब हमें इसको राउंड इस तरह से करना है और फिर इस तरह से इसको भी राउंड कर देना है। इसी तरह से हमें राउंड राउंड करते जाना है। ये देखिए इस तरह से सेम हमें करते रहना है। ये देखिए और यहाँ पर इसको इस तरह से जोड़ देना है। और अब हमें करना ये है कि हमें इस तरह से इसको लेना है और ये हमें इस तरह से इसको यहाँ पर दबा देना है। हमें सारे इसी तरह बना लेने हैं, हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमने अपने प्लेट पे एक फॉइल लगा ली है। अब हम इसको इस पर रख देंगे इस तरह से। हमें बाकी सारे भी इसी तरह से बनाकर इस पर रख लेना है। ये देखिए हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें 15 मिनट के लिए हम फॉइल से ढककर रख देंगे, फिर हम इसे बेक करेंगे। चलिए हम खोलकर देख लेते हैं हमारे। ये देखिए कितने डबल हो चुके हैं, ये बेकिंग के लिए एकदम रेडी हैं। हमने अपना भगोना चढ़ा दिया था, उसमें हमने नमक डाल रखा है और एक स्टैंड रख दिया है। चलिए इसको हम 10 मिनट फुल फ्लेम पर इसको जो है प्रीहीट करेंगे, उसके बाद हम इनको बेक होने के लिए रखेंगे। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं, हमने अपना ये रेडी तैयार कर लिया है। ये देखिए हमारा झूला, जो हमेशा मैं आपको बताती हूँ आपका हाथ ना जले इसलिए। चलिए हम इसको भगोने को खोलते हैं। ये देखिए ये अच्छे से प्रीहीट हो चुका है और अब हम इसको अपने झूले को इसमें उठा कर रख देंगे।
हम इस तरह से इसे रखेंगे। ये देखिए, इससे हमारा ना तो हाथ जलता है ना हमें कोई नुकसान होता है। चलिए हम अपना ढक्कन बंद कर देते हैं, इस लिड को इस तरह से लगा देंगे और इस पर कुछ भारी रख देंगे और 20 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे लो फ्लेम पर। 20 मिनट बाद हम आपको मिलते हैं। माफ कीजिएगा, मैं वीडियो में एक चीज स्किप कर गई, मैं भूल गई थी, मुझे याद आया है। इसको मैं फिर से निकालूंगी और फिर मैं बताती हूँ क्या मैं भूली थी। ये देखिए, मैंने शुगर, एग और घी का एक मिक्सचर तैयार किया था, मुझे वो वॉश करना था, मैं भूल गई थी, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। चलिए मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। हमें इक्वली पूरे इस पर लगाना है, कहीं भी छोड़ना नहीं है। ये देखिए, हमने सारे बंस को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हमें भगोना खोलना है और उसमें रख देना है। चलिए, हमने अपना बन रख दिया है, अब इसको ढक देते हैं और 20 मिनट बाद मिलते हैं हम आपको। देखिए, हमारे स्वीट बटर आमंड्स बन तैयार हैं एकदम। ये एकदम सॉफ्ट बने हैं, ये देखिए फ्लफी हैं और ये अच्छे से बेक हो चुके हैं। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़। देखिए, मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ, ये कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए, ये अच्छे से अंदर से फ्लफी हो चुके हैं।